हेलो एवरीवन आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक देखेंगे वो है इनवर्स फंक्शन सो ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर वन में आता है और वो कौन सेक्शन के अंदर आता है फंक्शन के अंदर सो so अब तक हमने फंक्शन के बारे में सब कुछ देखा है राइट right? फंक्शन uh, किसको बोलते हैं किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है देन हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखे हैं कि वन वन ऑन ऑनटो फंक्शन ओके मतलब इंजेक्टिव सरजेक्टिव बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं सब कुछ हमने अभी तक देख लिया है अब आज हम बात करने वाले हैं वो है इन्वर्स फंक्शन के बारे में तो इन्वर्स फंक्शन क्या है तो मैं पहले बात करता हूँ फंक्शन की तो लेट सेट ए हैंडसेट पी एंड जस्ट सिंपली डिफाइन द फंक्सन एफ फ्रॉम ए टू बी ये हमारा फंक्शन ये हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं तो आज हम नया क्या करेंगे तो उसके अंदर हम इनवर्स फंक्शन करने वाले हैं अभी ये बात हो गई फंक्सन की राइट एफ फ्रॉम ए टू बी अब हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन की तो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा इनवर्स फंक्शन को हम डिनोटेट करते हैं ऐसे इफ़ एफ इनवर्स और एफ जो है वो हमारा फ्रॉम ए टू बी है तो एफ इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा गेटिंग फ्रॉम बी टू ए उसको हम बोलेंगे एफ इनवर्स राइट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ इनवर्स तो एफ इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम बी टू एके तो ये सिंपल हो गया इनवर्स फंक्शन के बारे में बेसिक तो उसी हम बुक में भी देखते जाते हैं बुक में क्या लिखा है लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन देखो ये अभी आपको समझ में आना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है एफ वो वन वन बी है एंड ऑनटो भी है दोनों है गेटिंग तो उसको क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स गिवन फंक्शन एफ इज अ वन वन टू फंक्शन उसको ही बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन देन ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है देन द इनवर्स ऑफ एफ एफ का इनवर्स जो है उसको डिनोटेट किया जाता है इस तरह से एफ इनवर्स बी ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए जैसे यहाँ पे हमने देखा गेटिंग फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू तो ये इन्वर्स फंक्शन के बारे में बेसिक हो गया ये जो फिगर है वो मैं आपको बुक में भी बताता हूँ देखिए है सो <coughs> so ये जो फंक्शन f है वो फ्रॉम a टू b है सो so f इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा b टू एट x इज एलिमेंट ऑफ सेट A, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू A. एंड वाई बिलोंग्स टू क्या है हमारा बी है तब उसको हमें डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं एफ इनवर्स को सिंस एफ इनवर्स फंक्शन फ्रॉम बी टू ए फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी ओके फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देर एक्जिस्ट यूनिक एक्स बिलोंग्स टू ए ओके सच डेट ओके फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी के लिए यूनिकली एक्स बिलोंग्स टू ए एग्जिस्ट होता है कैसे किस तरह से सच डेट उसके बीच में रिलेशन क्या है सच डेट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है गेटिंग अब हम फंक्शन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं तो रिवर्स है ये एफ राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स जटिंग तो ये इनवर्स के बारे में बेसिक हो गया है अब हम क्या करते हैं ये इनवर्स के बेस पे थ्योरम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं राइट तो सी यहाँ पे देखो ये थ्योरम है थ्योरम नंबर फोर लिखी है थ्योरम क्या है देखिए लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी दो फंक्शन दिए हुआ है बी टू फंक्शंस राइट फ बोथ एफ एन जी आर इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल का मतलब कि उनका इन्वर्स मिलता है एफ का इनवर्स एफ इन्वर्स लिखो ऐसे और जी का क्या लिखो जी इनवर्स एफ एन जी बोथ आर इन्वर्टिबल देन ये देखो कंपोजिट फंक्शन हो गया हमने कल देखा था जी कंपोजिट एफ उनका हम इन्वर्स करेंगे वो किसके इक्वल टू आएगा एफ इनवर्स विच इज़ कंपोजिट विथ जी इनवर्स ये हमें बताना है गेटिंग? तो स्टार्ट कहां से करेंगे पहले तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो भी दिया है उसको ही है लिखते हैं राइट तो देखो यहां पे क्या दिया है एफ एन जी आर इन्वर्टिबल देखो यहां पर लिखा लेट एफ एन जी आर इन्वर्टिबल सो इनवर्टिबल होता है दैट मीन्स क्या होता है जो फंक्शन एफ एन जी है वो कैसा फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा हमने अभी अभी डेफिनेशन में देखा कि एफ जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका जो भी इनवर्स मिलेगा उसको हम बोलते हैं एफ इनवर्स तब जाके मिलता है राइट सो so, यहाँ पे हमें रिवर्स दिया है ना ये इन्वर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स मिलता है तो हम लिख सकते हैं एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन भी है एंड ऑन टू भी है तो ये दोनों का जो कॉम्पोजाइट जो आएगा फंक्शन g कम्पोजाइट एफ वो दोनों भी कैसा हो जाएगा बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टिबल घटी क्यों क्योंकि हमें इनका कंपोजिशन जो है दोनों का उसका इन्वर्स करना है तो हमने ये बोला यहाँ पे ये इन्वर्टिबल है एफ एंड जी तो वो दोनों कैसे है बाइजेक्टिव भी है तो हम बोल सकते हैं ये जी कम्पोजाइट एफ जी एंड एफ का जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि वो भी क्या होगा इन्वर्टिबल राइट right? ये बेसिक हमने अभी पहले लिख दिया अब हम फंक्शन पे जाते हैं देखो ये फंक्शन दिया है वो लिख देते हैं ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c गिवन है राइट right? तो फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन होगा जी ओ एफ वो क्या होगा फ्रॉम a टू c अब उसका इन्वर्स करेंगे हम तो उसका रिवर्स कर देंगे देखो ये इनवर्स होगा तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा ए टू सी की जगह पर क्या होगा फ्रॉम सी टू ए हो जाएगा ओके okay? तो देखो ये लिखा है है फंक्शन कंपोजिट फंक्शन फ्रॉम ए टू सी एंड उसका इनवर्स फ्रॉम सी टू ए हो जाएगा ओके okay? अब देखिए नेक्स्ट एफ हमें दिया है इन्वर्टेबल एंड जी इन्वर्टेबल है तो एफ हम डिफाइन करते हैं तो क्या है फ्रॉम ए टू बी तो एफ इनवर्स कैसा होगा फ्रॉम बी टू ए एंड जी दिया है फ्रॉम बी टू सी तो उसका रिवर्स कर देंगे जी इनवर्स क्या हो जाएगा फ्रॉम सी टू बी अब ये दोनों का हम कंपोजिशन करेंगे क्यों क्योंकि ये हमें बताना है ना इसीलिए ये एफ़ इनवर्स के लिए हमने लिखा और ये जी इनवर्स के लिए लिख दिया राइट अब दोनों का कंपोजिशन करेंगे तो क्या होगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा तो सी टू ए तक जाएगा तो देखिए ये जो है ये हमारा ये लेफ्ट साइड है देखो ये और ये जो हमारा अभी हमने लिखा ये वाला वो ये राइट साइड सी ओके दोनों फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है फ्रॉम सी टू ए देखो यहाँ पे दोनों फ्रॉम सी टू ए ही है राइट पता चला आपको हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम हैं यहाँ से तो बोल सकते हैं देखो सो so, दोनों टर्म है आर द फंक्शन फ्रॉम सी टू सेट ए अब हम देखेंगे रिलेशनशिप करके देखते हैं कि सी कंपोजिट फंक्शन क्या है इनवर्स जीओ एफ इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू एक्स फॉर जेड बिलोंग्स टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए तो यहाँ पे तीन सेट लिए हैं। ए बी एन सी अब तीनों के जो एलिमेंट है वो क्या लिए है ये एक्स वाई एंड जेड जेड बिलोंग्स टू सी है एंड एक्स बिलोंग्स टू तो क्या है ए है तो ये जो कंपोजिशन होगा जी एंड एफ का ओके okay? तो इनके इक्वल टू हम क्या लिखेंगे एक्स किसके लिए फोर जेड बिलोंग्स टू तो सी एंड एक्स बिलोंग्स टू तो ए अगेन अब हम बात करेंगे जी इनवर्स एंड एफ इनवर्स के बारे में तो एफ इन जी इनवर्स पहले लिखा है तो जी इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है फ्रॉम सी टू बी राइट इस तरह से सी टू बी सो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी जेड बिलोंग्स टू सी देर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी सच डेट क्या होगा जी इनवर्स जेड इक्वल टू वाई

इजिली आप उनको समझा सकते हैं राइट तो आपको याद भी इजी रहेगा तो देखिए अभी क्या किया है यहाँ पे सी ये चीज़ लिखी दोनों हमने ये दोनों सेपरेट भी लिखा जी इनवर्स एन एफ इनवर्स के बारे में और जी ओ एफ इनवर्स के बारे में भी लिखा जी ओ एफ मैं बोलूँगा जी ओ एफ वो क्या है जी एन एफ का कंपोजिशन है राइट कंपोजिट फंक्शन है चलिए अब यहाँ पे हमें जो रिलेशन बताना है वो यहाँ पे लिखा है उनके इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये ये है इसके इक्वल टू हम ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड लिख सकते हैं अभी जी इनवर्स ऑफ जेड हमने अभी अभी डिफाइन किया क्या आता है वाई आता है तो उसकी जगह पे वाई लिख देंगे तो क्या आएगा एफ इनवर्स वाई आएगा सी अभी एफ इनवर्स वाई क्या आता है सी एक्स तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा ओके okay? सो so, इनका आंसर क्या आया हमारा एक्स आया राइट अब देखिए हमें यह भी बताना है ओके okay? तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ इक्वल टू एक्स आया ओके तो इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जी एन एफ का कंपोजिशन इनवर्स ऑफ जेड भी लिख सकता हूँ वो भी क्या है कि आपका आएगा आपका आंसर एक्सी आएगा तो देखो दोनों का आंसर कैसे आता है सेम आता है दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या है इक्वल है राइट ये जो है वो so, ये हमने एंड में किया उससे पहले हमने सब कुछ बताया ये पहले तो ये जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया देन एफ एंड जी इन्वर्टेबल है तो बाइजेक्टिव भी होगा यानी उसका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टेबल होगा वो हमने बताया बाद में सभी फंक्शन को डिफाइन किया एफ इनवर्स को जी इनवर्स एंड ये जी ओ एफ इनवर्स को भी हमने डिफाइन किया ओके okay? क्या आता है उसका रिलेशन ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हमने उसके बाद हम यहाँ पे गए ओके okay? तो ये थियरम है आपके थियरम नंबर फोर सो so, बहुत ईजी है एक्चुअली आप यहाँ से उसको देख सकते हैं अब हम नेक्स्ट जाते हैं सी थियरम नंबर फाइव पे अब थियरम नंबर फाइव क्या है सी इफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स मिलेगा मतलब एफ क्या है इन्वर्टेबल है सो एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन तो एफ़ जो हमारा बाइजेक्टिव है मतलब वन वन भी है एंड ऑनटो भी है तो एफ़ इनवर्स भी क्या जाएगा हमारा वो बाइजेक्टिव होगा तो वो हमें बताना है नहीं तो वन वन के लिए क्या है हम करते थे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए ऐसा हम बोलते थे ओके और ऑनटो के लिए बोलते थे कि भाई जो सेट बी जो है वो एम टी मतलब उसके सारे एलिमेंट जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक प्री इमेज इन सेट ई ये हम देखते हैं तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो कंडीशन दी है वहाँ से कि फंक्शन जो है f फ्रॉम a टू b इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन तो उसका मतलब क्या होता है बाइजेक्टिव मतलब वन वन एन ऑन टो दोनों तो सी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू a सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ये फंक्शन को डिफाइन ही किया है यही फंक्शन है उसके लिए ये लिखा है कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वाई फॉर एवरी वाई देर एग्जिस्ट एक्स इन अ सेट ए किस तरह से सच डेट इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा सच डेट एफ एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स होता है तो हम क्या लिखते एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स गरी और रिवर्स लिखते फ्रॉम बी टू ए चलिए वो भी लिखना है हमें अगेन F इनवर्स क्या है देखिए फ्रॉम बी टू ए सच डेट यहाँ पे भी है सच डेट देखो मैंने बोला अभी ये क्या आ जाएगा उसकी जगह पे ये F इनवर्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा सो लेट वाई वन कॉमा वाई टू बिलोंग्स टू बी ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे वाई इनवर्स तो क्या आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई वन एंड वाई टू बिलोंग्स टू बी ये बी सेट के दो एलिमेंट है वाई वन एंड वाई टू विथ एफ इनवर्स वाई वन इक्वल टू एफ इनवर्स वाई टू अब ये कंडीशन में हमें वाई वन इक्वल टू वाई टू मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ़ इनवर्स है वो कैसा है वन वन है ओके हमारा ये जो एफ़ जो है वो तो वन वन है ही एंड ऑनटो तो भी है क्योंकि वो दिया है कि वो बाइजेक्टिव है तो ये बाइजेक्टिव है तो हमें f इनवर्स बाइजेक्टिव बनाना बताना है तो हम उसको पहले बताएंगे वन वन है और उसके बाद बताएंगे ऑन टू तो है राइट तो देखिए तो ये f इनवर्स वाई वन इक्वल टू देखो हमारे पास क्या है ये x यहाँ पे आएगा b नहीं आएगा थोड़ी टाइम पिक मिस्टेक है तो एफ़ इनवर्स वाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे y1 हम करेंगे तो यहाँ पे x1 कर देंगे देखो ओके तो उसके इक्वल टू क्या आएगा x1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा एक्स टू आएगा तो देखो ये आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू सो एफ़ जो है हमारा वो वन वन फंक्शन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एफ़ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अब सी एफ ऑफ एक्स वन एफ़ ऑफ एक्स क्या है वाई तो एफ़ ऑफ एक्स वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वाई वन एंड एफ ऑफ एक्स टू की जगह पर क्या लिख सकते हैं वाई टू मतलब ये वाई वन इक्वल टू वाई टू आ गया दैट मीन्स कि हमारा जो एफ़ इनवर्स है वो क्या है वन वन है ओके okay. अभी ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पे तो आप फंक्शन के जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हैं जब वन वन फंक्शन ऑनटो फंक्शन जब डिफाइन किया था तब सारे सब कुछ मैंने बताया था वहाँ पर राइट तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स जाना है वहाँ पर हम एक्स वन इक्वल टू एक्स टू करते हैं यहाँ पे क्या करना है वाई वन इक्वल टू वाई टू तो ये हमने बता दिया एफ इनवर्स क्या है हमारा वन वन फंक्शन है अब देखिएगा ऑनटो फंक्शन के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए ये सेट बी है हमारा और सेट ए है ओके जो फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी और जो इन्वर्स है वो आएगा फ्रॉम बी टू ए तो यहाँ पे होगा क्या भी? अभी अभी फंक्शन एफ हमारा ऑनटो है उसका मतलब क्या होता है कि ये जो बी के जो सारे एलिमेंट होंगे ना वो कोई ना कोई एक एलिमेंट ए के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ मतलब वो एसोसिएट होंगे रिलेट करेंगे राइट right? सो so, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली बचेगा नहीं दैट मीन्स क्या होता है कि इनकी जो रेंज है ओके okay, किसकी ये बी की जो रेंज है सेट बी की रेंज वो इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा कोडो में गेटिंग तो अभी ये रिवर्स है पूरा तो देखो हमारा क्या आना चाहिए ये सारे एलिमेंट ओके okay? तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स यहां पर लिखा है सी वो क्या होना चाहिए एक्चुअली हमारा ये डोमेन ए होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए रिवर्स हो जाता है ना यहां पे इसकी ये रेंज हम लिखते हैं ना तो ये एफ इनवर्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा पूरा ये फंक्शन के बारे में मैंने बोला फ्रॉम ए टू बी अभी एफ इनवर्स के बारे में बोले फ्रॉम बी टू ए तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या आनी चाहिए ये सेट ए के सारे एलिमेंट मतलब डोमेन आना चाहिए डोमेन ऑफ ए गेटिंग सो ये इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी ये फंक्शन की क्या हो जाएगी डोमेन और वो क्या होना चाहिए सेट ए देखो ये है तो एफ इनवर्स को क्या बोलते हैं हम ऑनटो ओके तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा ऑनटो तो अभी देखो f इनवर्स हमारा वन वन भी हो गया एंड ऑनटो भी हो गया तो हम बोल सकते हैं कि f इनवर्स क्या है हमारा बाइजेक्टिव है राइट तो आप आज हम यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो का सो आज हमने देखा इनवर्स फंक्शन के बारे में और उसके बेस पे दो थियरम देखी राइट सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे